लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बिहार से पंजाब जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 40 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अलग अलग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 की हालत नाजुक होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर यूपीडा और पुलिस की टीम पहुंच गई। आनन फानन में घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि हादसे की शिकार हुई बस में बिहार से पंजाब के भटिंडा इलाके के लिए यात्रियों को लेकर चली थी। देर शाम थाना तालग्राम के पास सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। प्रभु कुमार, कहाँ से कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम पूर्णिया जिला से भटिंडे जा रहे थे। फिर क्या हुआ? तो वहाँ से आया अचानक, जब वहाँ से जब पूर्णिया जिला से आए ना, अचानक ये रास्ते पे पता नहीं कैसे कर दिया, जैसे हैंडल मोड़ दिया अचानक। वहाँ मोड़ था, डबल रोड था ना, अचानक मोड़ दिया, वो खंभे में ठोक दिया बस। हाँ, सबको जख्मी हो गया, पलटी हो गया। जब बस, कितने लोग थे उसमें? लगभग उसमें कम से कम सर 150 आदमी थे। वहीं कन्नौज के सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जो लोग घायल हैं उनकी जानकारी अस्पताल से मिली है। आसपास थाना तालग्राम पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 163 किलोमीटर पे एक डबल डेकर बस जो बिहार से पंजाब जा रही थी, वो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई है, जिसमें कुल 21 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 गंभीर रूप से घायल लोगों को तिरुवा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उनका उपचार यहाँ किया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शेष अन्य घायलों को CHC तालग्राम पर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसमें बस को मुख्य मार्ग से हटा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। आस पास वहाँ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ है, जो डबल डेकर जो स्लीपर बस होती है वो पलटी है, और कारण नहीं पता क्यों पलटी। तो हमारे पास लगभग 10 मरीज आए, जिसमें 2 अति गंभीर मरीज थे हैं, और बाकी पेशेंट्स हैं मैनेज हो गए, स्टेबल हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ है उस समय बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें 21 लोगों की ज्यादा चोट आई है, बाकियों की हल्की चोट आई है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।